देखते ही दूर भागो वरना मौत निश्चित है। दोस्तों, खतरनाक जानवरों के पास जाना मौत से खेलने के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये जोखिम उठा ही लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में ऐसे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। क्या आपका भी सामना कभी किसी खतरनाक जानवर से हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो में आखिर तक रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे तो हमारे वीडियो का एक एक सेकंड मजेदार होता है, मगर आखिरी का वीडियो कुछ खास है। तो भाई साहब, हट बच के संभल के जिंदगी कीमती है। बुलेट एंट नाम से समझ में आता है कि अगर ये चींटियां किसी इंसान को काट ले तो जो दर्द होगा वो गोली के लगने के बराबर होगा। इन्हें 24 आवर्स पैन एंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके काटने का दर्द कम से कम 24 घंटे तक रहता है। ये बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन आपको बता दें कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी चींटियों को अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसलिए ताकि वो इन चींटियों से काटने से होने वाले दर्द को सहन कर सके और अपने आप को जबरदस्त मर्द से साबित कर सके। इसके लिए ये आदिवासी चींटियों को पकड़कर उन्हें पत्तों से बने हैंड ग्लव्स में रखते हैं। उसके बाद उन ग्लव्स में अपने हाथों को डालते हैं ताकि वो चींटियां उन्हें काट सके और वो उस दर्द को सहन कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ एक आदमी किसी एक चींटी के काटने से होने वाले दर्द को सहन नहीं कर सकता, वहीं ये आदिवासी अपने हाथों पर चींटियों से कटवाते हैं और डांस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं साहब और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब है वैम्पायर वेट। ये खून पीने वाले चमगादड़ होते हैं जो बड़ी ही सफाई से अपने शिकार का खून पीते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। ये जानवरों का खून पीते हैं, जैसे सुअर, गाय, इस तरह के दूसरे जानवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों को बख्श देते हैं, ना ना। अगर इन्हें अपना शिकार नहीं मिला तो इंसानों का खून पीने में ये संकोच नहीं करते। आपको बता दें कि ये जब अपने शिकार पर हमला करते हैं तो उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि इनकी बॉडी से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो शिकार को ये पता ही नहीं लगने देता कि उसके शरीर पर बैठकर कोई उसका खून पी रहा है। यहाँ तक कि खून पीने के लिए जब ये चमगादड़ शिकार के शरीर में अपने दांत गड़ाते हैं तो उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। इनका वजन इतना कम होता है कि इनके बैठने का एहसास शिकार को नहीं होता, इसीलिए आराम से अपना पेट भरने तक शिकार का खून पीते रहते हैं। लेकिन ये चमगादड़ एक ऐसी बीमारी लेकर चलते हैं जिसे ये खून पीने के बाद शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। यही वजह है कि अगर आपको काट ले तो आपके बचने की संभावना न के बराबर होती है। अब है ऑक्टोपस। अब बात करते हैं ऑक्टोपस की। नदी और समंदर में पाए जाने वाले 8 पैरों वाले जीव बड़े ही खतरनाक होते हैं साहब। जब भी ये शिकार से चिपकते हैं तो अपना जहर ये उसके शरीर में छोड़ देते हैं। इसे ब्लू रिंग वाले ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर में नीले कलर के छल्ले बने होते हैं। आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर ये आपसे खतरा महसूस करे तो फिर ये आपके शरीर से इतनी ताकत से चिपकते हैं कि इन्हें छुड़ाना भी भाई मुश्किल हो जाता है। ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली मकड़ी है। हालांकि आकार में छोटी है, साइज में 2 इंच तक हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इसका जहर इतना तेज होता है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली हुई है, वो भी अपने खतरनाक जहर की वजह से। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, छिपकली, चूहे, खरगोश जैसे जीवों को खाती है। ये मकड़ी जाला नहीं बनाती। हालांकि आमतौर पर आपने दूसरी मकड़ियों को जाला बनाते देखा होगा, लेकिन ये अपने शिकार का इंतजार करती रहती है। ज्यादातर समय पेड़ों पर रहती है। नेक्स्ट इज रेड बेली फिराना। फिराना मछली वैसे भी खतरनाक होती है, लेकिन जब ये ग्रुप में शिकार करती है तो इसके डेंजर का लेवल इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। ग्रुप में ये अपने शिकार को कुछ ही सेकेंड्स में खत्म कर देती है। उसके शरीर से हड्डी और मांस को कुछ इस तरह अलग करती है कि देखते ही देखते शिकार का शरीर ही गायब हो जाता है। जनरली इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर ये भूखी हो और खाने पीने के लिए कोई भी ऑप्शन ना हो तो फिर इंसान इसके लिए एक अच्छा फूड हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि एक मछली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या 50 हो तो ये इंसान को पलक झपकते ही मार देती है। एक बार 2 मछुआरे नाव में सफर कर रहे थे, उसी दौरान उनकी नाव पलट गई। जब तक दूसरा मछुआरा संभल पाता और वो नाव पर आता, इतने समय में इन मछलियों ने इसके पहले साथी के शरीर आधा खाकर बुरी तरह घायल कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने साथी को लेकर जब किनारे पर पहुँचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। समंदर में पाई जाने वाली फिराना मछली छोटे साइज की होती है, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली ये मछली बहुत ही खतरनाक और बड़े साइज वाली होती है। इस मछली के काटने की ताकत इतनी तेज होती है, इसके दांत एल्युमिनियम वायर को भी बड़ी आसानी से काट लेते हैं।
अगर आप इसके सामने कोई कोल्ड ड्रिंक की केन लेकर जाओगे तो ये एक ही बार में उसमें छेद करके पूरी ड्रिंक बाहर गिरा देती है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसके दांतों की ताकत और नुकीलापन किस हद तक खतरनाक है। नेक्स्ट इज जगुआर। शेर और बाघ के बाद जंगल में सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो वो है जगुआर। अमूमन इसका वजन 50 से 100 किलो का होता है, लेकिन इतना फुर्तीला और खतरनाक होता है कि एक ही बार में अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। कि जगुआर के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये एक ही बार में इंसान के शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी यानी खोपड़ी को भी चकनाचूर कर सकता है। आमतौर पर ये जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन अगर इन्हें भोजन ना मिले तो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। ये अपने शिकार को पेड़ों पर ले जाकर भी खाना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न के जंगलों में बिजली तो नहीं होती, लेकिन बिजली के झटके जरूर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली एक मछली अपने भीतर बिजली के करंट को लेकर चलती है। ये अपने शिकार को 600 वोल्ट का झटका देती है। इतना तेज करंट लगने के बाद शिकार की तो जान ही निकल जाती है, लेकिन अगर ये किसी इंसान को झटका दे तो इससे उसकी मौत नहीं होती, मगर इंसान लगातार इसके झटके सहन करता रहे तो उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर हो सकता है कि शॉक की वजह से इंसान मौत के मुंह में समा जाए। तेज करंट एक घोड़े को बेहोश करने के लिए पर्याप्त होता है। अमेज़न फॉरेस्ट में इसके हमले से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये मछली 8 फीट की होती है, लेकिन बड़ी ही खतरनाक होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो कम से कम इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके लाइक 1000 को पार कर जाएंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर जंगल में डेंजर का लेवल क्या होता है। अब है ग्रीन एनाकोंडा। आपने हॉलीवुड मूवी एनाकोंडा तो देखी ही होगी। उस मूवी ने एनाकोंडा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला ये सबसे खतरनाक सांप होता है। ये जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त होती है। इसका वजन 250 किलो तक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक एनाकोंडा किसी पर हमला करे तो फिर उसका क्या होने वाला है। ये अपने शिकार को सफोकेट करके मारता है, उसे इतना प्रेशराइज करता है कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये शिकार को बेहोशी की हालत में खाना शुरू कर देता है। अब है बुल शार्क मछली। समुद्र के कम पानी में रहने वाली शार्क मछली इंसानों के लिए खतरनाक होती है। पूरी दुनिया में शार्क मछली की 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से केवल 3 ही हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक है। इनमें से एक है बुल शार्क। ये उथले पानी में रहती है, जहां के इंसान अक्सर स्विमिंग करते हैं। इसे सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करते हुए देखा गया है। बुल शार्क खारे पानी के साथ साथ मीठे पानी में भी रह सकती है। तो ये थे जंगल की दुनिया के खतरनाक जीव। इनमें से सबसे ज्यादा खतरा आपको किस जीव से महसूस हुआ, हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।